मैसेज ऐप। मैसेज ऐप का प्रयोग हम वेबसाइट में स्कूल के प्रिंसिपल, चेयरमैन, डायरेक्टर, अन्य सभी लोगों का हम मैसेज दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चेयरमैन मैसेज, प्रिंसिपल मैसेज, डायरेक्टर मैसेज। आप अपनी वेबसाइट के इस वाले टेम्पलेट में अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे मैसेज का बटन भी दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो स्कूल के मैसेजेस यहाँ पे दिखेंगे, प्रिंसिपल के मैसेज, चेयरमैन के मैसेज, जो भी आप लगाना चाहते हैं उनके फ़ोटो भी लगा सकते हैं, नाम लिख सकते हैं उनका। सेकंड टेम्पलेट है तो आप स्कूल वाले सेक्शन में मैसेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम उसी तरह आपको दिख रहा है। तो चलिए इसको चेंज कैसे करते हैं, इसको एडिट कर कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैसेज ऐप पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैसेज ऐप पे क्लिक करेंगे तो आपको राइट साइड में एडिट मैसेज का बटन दिखेगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट करने का एक सेक्शन दिखेगा, इसके अंदर देख सकते हैं आप तीनों चीज़ें हैं। तो सेम उसी तरह जैसे हम होम अबाउट बाकी चीज़ों को चेंज करते हैं उसी तरह इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड, एक्सेल, एमएस वर्ड की तरह जो टूल्स होते हैं, टेक्स्ट टूल होते हैं एडिट करने के लिए, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनका उपयोग करके भी आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपने कहीं लिख के रखा है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जो डायरेक्टर हैं उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें, उनका पद भी आप यहाँ पे चेंज सकते हैं कि वो क्या है। फोटो अपडेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, फोटो पे डबल क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फोटो पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने इमेज प्रॉपर्टीज नाम का एक बॉक्स खुलेगा, उसमें अपलोड वाले सेक्शन में जाना है। अपलोड वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको चूज फाइल नाम का एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके सिस्टम में आपने जहाँ कहीं भी आपने वो फ़ोटो रखा है उसको अपलोड करा लेना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक कोई इमेज यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे मैं ये इमेज ले लेता हूँ। अब जैसे ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको उस इमेज का नाम दिखेगा। इमेज का नाम जब दिखने लगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंड इट टू द सर्वर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद आपको वो इमेज यहाँ पे दिखने लगेगा। अब इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप इमेज अपलोड करा देंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इमेज जो है बहुत बड़ी है, इसकी विथ बहुत बड़ी है। तो करना क्या आएगा, यहाँ पे जितना भी विथ दिखाई दे रहा है उस पर कंट्रोल ए या माउस से सेलेक्ट कर लेना है और इसे डिलीट कर देना है, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे लग जाएगी। उसी प्रकार से आपको ये नीचे वाला भी प्रिंसिपल का इमेज और जो इसके नीचे है डायरेक्टर का इमेज, उसको भी इसी तरह से चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपको अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज दिखेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं वो इमेज सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो प्रीव्यू करने के लिए हम वेबसाइट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे मैसेज वाले बटन पे क्लिक करना है। मैसेज वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फोटो था वो अपडेट हो चुका है, जो टेक्स्ट है वो अपडेट हो चुका है।